हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरांधस्या ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय्यं ददाति स्वपदांतिकं। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानंद श्रीअद्वैतगदाधर श्रीवासदिगौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। फिर एक बार आपकी आज के सुबह की सभा में आप सबका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे मराठी में एक कहावत है, इसका नाम है, इसका ऐसा ब्यौरा है कि राजाला दिवाली काय माहित। इसका अर्थ होता है कि राजा को दिवाली मतलब क्या है पता ही नहीं। क्यों ऐसा है? क्योंकि राजा के भोजन में रोज पंच पकवान होते हैं, रोज मिठाइयां होती है। जो जो गरीब लोग दिवाली में खाते हैं वो राजा हर रोज ग्रहण करता है। इसलिए राजा को पता नहीं चलता है कब दिवाली आई कब गई, क्योंकि उसके भोजन में तो रोज ही वही पंच पकवान होते हैं, जो अच्छी अच्छी मिठाई मिष्ठान होते हैं जो दिवाली में होते हैं। उसी तरह से एक गरीब आदमी है जो रोज रुखी सुखी खाता है, लेकिन अगर उसको राजा ने अपने घर पे अपने पंगत में या अपने भंडारे में कहीं बुला लिया और रोज वो अगर पंच पकवान न खाने लगा तो पहले दो बार तो उसको बहुत लगेगा कितना भाग्य है, कितना भाग्य है। मैं जलेबी खा रहा हूँ, पकौड़े खा रहा हूँ, ये मिठाई खा रहा हूँ, बर्फी खा रहा हूँ, खीर खा रहा हूँ, तो अपने आप को कितना भाग्यवान समझेगा, हर एक आइटम इतना प्रेम से पाएगा। लेकिन अगर रोज उसको बुलाया गया तो एक महीने के अंत में क्या बोलेगा, बोर हो जाएगा उसको। उसको लगेगा क्या अभी रोज मिठाई खाना है, कुछ नमकीन हो जाए। क्यों? क्योंकि कोई भी श्रेष्ठ वस्तु या कोई भी सर्वश्रेष्ठ वस्तु अगर हमें रोज मिल जाए तो हमारा स्वभाव कैसा है कि हम उसको इतनी कीमत नहीं देते, इतना मूल्य नहीं देते। अगर किसी स्वप्न में देखे हुए फिल्म स्टार के साथ या किसी देवता जैसे व्यक्ति के साथ आपका विवाह होता है तो जब तक नहीं होता है तब तक हम इतना तड़पते हैं, कब होगा मेरा पति, वो कब में होगा मेरा पति, मैं प्रार्थना करती हूँ, व्रत करती हूँ, मैं भी 12 घंटा दिन में जल नहीं पीऊंगी जब तक वो व्यक्ति मेरा पति नहीं हो जाएगा। और फिर एक दिन वो अपना पत्नी हो जाएगा, एक बार पति होने के बाद में 1 महीना 6 महीने हम लोग आसमान में रहेंगे और फिर उसके बाद में क्या होगा, फिर हमारा ध्यान कहीं और जाएगा। क्योंकि जो दुर्लभ वस्तु थी जब तक वो दुर्लभ थी, नहीं प्राप्त थी, तब तक हम उसको लिए तड़पते हैं। लेकिन जब दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो जाती है उसका मूल्य अपने आप कम हो जाता है हमारे स्वभाव की वजह से। उसका मूल्य कम नहीं होता है, हमारी मनोस्थिति ऐसी है कलयुग वाली, भौतिक दुनिया वाली, कि उस दुर्लभ वस्तु को भी हम कम मूल्य देने लगते हैं, एक दिन वो मूल्यहीन भी कर देते हैं। उसी तरह से हमने इतने जन्मों के पुण्य के पश्चात भगवान नाम की प्राप्ति की है। भगवान नाम की प्राप्ति करना इतना आसान नहीं है। पिछले जन्मों के अनेक पुण्यों के बाद, पिछले जन्मों के शास्त्र के ज्ञान के बाद, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति सह आत्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्म बिताने पड़ते हैं ज्ञान अर्जन करते हुए, बहुत तप करना पड़ता है, बहुत दान धर्म करना पड़ता है, बहुत तीर्थ यात्रा करनी पड़ती है, बहुत समाज सेवा करनी पड़ती है, पुण्य अर्जन करना पड़ता है, फिर उसके फलस्वरूप जब भगवान कन्विंस हो जाएंगे तो भगवान नाम का परिचय और प्राप्ति होती है। और हम सबको अभी वो प्राप्ति हो चुकी है, इसका मतलब हमने सब कुछ ये कर लिया है पुराने जन्मों में, ये सारी मेहनत हमने कर चुकी है, लेकिन अब उसका फल हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन हम भी उसके प्रति क्या कहते हैं, बड़े उदास हैं, औदासीन है, नॉट सो एक्साइटेड कि हमें भगवान नाम की प्राप्ति हुई है, पता है हमें भगवान नाम की प्राप्ति हुई है, इतनी दुर्लभ प्राप्ति हुई है। वी आर नॉट एक्साइटेड, वी आर स्लीपिंग, वी आर टायर्ड, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी आर लेजी, हमारा मन कहीं भटक रहा है, कुछ और सोच रहा है, कौन सा गहना खरीदूं आज, कौन से मार्केट में जाकर कौन सी साड़ी खरीदूं, कौन सा पैंट खरीदूं,
कितने विचार विकल्प चढ़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक उसका पूर्ण मूल्य की अनुभूति हमको नहीं हुई है। इसलिए जब ये पूर्ण मूल्य की अनुभूति आपको होगी भगवान नाम के प्रति, तो आपके मन में केवल कृतज्ञता उत्पन्न होगी, ग्रैटिट्यूड उत्पन्न होगी। इसलिए बार बार ये सुनना जरूरी है, और उस ग्रैटिट्यूड, उस कृतज्ञता, उस धन्यवाद के भाव से हमें भगवान के नाम का जप करना है। और जब हम ऐसे भाव से रोज धन्यवाद करेंगे तो भगवान हम पर कृपा करेंगे। किस रूप से कृपा करेंगे? हम सबको भगवान नाम के प्रति रुचि देंगे, टेस्ट देंगे, लगाव देंगे, लालसा देंगे, क्योंकि लालसा के बिना भगवान नाम का प्रत्यक्ष लाभ, वास्तविक लाभ जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। इसलिए हमारे नरोत्तम दास ठाकुर क्या करते हैं, लालसामयी प्रार्थना करते हैं। उनका एक कथा संग्रह है, लालसामयी प्रार्थना, कविता संग्रह। तो हमें ये सब चीजों को रोज सवेरे ध्यान में याद करना है। क्या याद करना है सुबह सुबह उठकर? कि भगवान नाम सर्वश्रेष्ठ है, भगवान नाम ही एक ही एकमेव साधन है, और मुझे इस भगवान नाम के शरण में जाना है, मुझे इस प्रक्रिया को अपने आपके जीवन का सर्वस्व बनाना है। और मैं प्रार्थना करता हूँ हे भगवान कि मुझे आप अपने चरणों में भगवान नामों के माध्यम से शरण शरणागति शरण दीजिए, आश्रय दीजिए, और फिर जप में बैठना है, और फिर हर जब हर मंत्र के बाद, हर माला के बाद में धन्यवाद करना है। थैंक यू माय लॉर्ड, वी आर सो ग्रेटफुल टू यू, आपने हमें इतनी बड़ी देन दी है बिना किसी योग्यता के। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू माय लॉर्ड, हे भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।